शामें यहाँ पर बेहद खूबसूरत होती हैं और रात के नज़ारे तो क्या ही कहने। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिद कृत्न समी काशीन स्थितो जगत। भारतीय वेद जो विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है कहता है, पृथ्वी में उपस्थित ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नदी, तालाब, झरने, समुद्र, ये सब पृथ्वी पर प्रकृति के खूबसूरत हस्ताक्षर हैं। इस पृथ्वी का एक सूक्ष्म हिस्सा हूँ मैं, यानी माचागोरा डैम। माचागोरा डैम अपनी तीनों अवस्थाओं में बेहद खूबसूरत है। उसकी शैशव अवस्था में, उसकी किशोरावस्था में और उसके यौवन में। सन 2018 की बात है, आई थिंक वो नवंबर का महीना रहा होगा, जब मैं पहली बार माचागोरा डैम आई चिड़ियों की तलाश में। यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल फैसिनेट हो गई। इतने डिफरेंट स्पीसीज के बर्ड उस दिन मैंने देखे। वो सीजन था माइग्रेटरी बर्ड्स का, जो मुझे अभी याद आ रहा है, उस समय पर मैंने वूली नेक स्टॉक्स, पेंटेड स्टॉक्स, ओपन बेल स्टॉक्स, रेडी शेल्डक्स, पर्पल हेरॉन और ग्रेट ईग्रेट्स देखे। स्थानीय पक्षियों की तो शायद मैंने गिनती भी नहीं की। मैं इस जगह के प्रेम में धीरे धीरे पड़ती गई। हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले हैं। हेडफोन भी चाहिए, हेडफोन भी ले आओ ना। हाँ, रोलिंग, कैमरा रोलिंग, बस फिर क्या था। वीकेंड्स पर हम अपने कैमरे उठाते और माचागोरा डैम आ जाते और हम बर्ड शूट करते रहते। We'll be right back.
यह बांध सिर्फ पानी से भरी हुई एक बॉडी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बांध में पानी भरने की वजह से एक लो ऑक्सीजन का एरिया बनता है। जब किसी और वजह से वहाँ पानी खाली हो जाता है तो बैक वाटर्स में आर्द्र भूमि तैयार होती है, जो यहाँ पर एक यूनिक इकोसिस्टम बनाती है। इसकी बायोडायवर्सिटी में चिड़ियों, कीड़ों मकोड़ों को रहवास मिलता है। प्रकृति के कण कण में सह अस्तित्व समाया हुआ है। फूड चेन भी इसी से चलती है। हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। सभी को जीवित रहने, प्रजनन करने और अपने वंश को सतत आगे बढ़ाए रखने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। बैलेंसिंग करने के प्रकृति के अपने नियम और कानून होते हैं। वह किसी न किसी तरीके से हमें कुछ न कुछ देती ही रहती है। बांध बनने की वजह से चिड़ियों को घर मिलना यह एक अद्भुत घटना है। किसी की सीमा का कोई अतिक्रमण ना करे, इस प्लैनेट की खूबसूरती इसी बात में ही तो निहित है। हालांकि कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो वर्ष में केवल एक ही बार अंडे देते हैं। यदि उनके अंडों को नुकसान पहुंचता है तो फिर उस वर्ष वे अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा पाते। हम भी उनके दुख में दुखी होते हैं। आखिरकार हमारी इन सारी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान और सबसे ऊपर होने का दावा भी तो मनुष्य का ही है ना? पानी से दाना पैदा हो रहा है, सुजेन जगह पानी जाता बहुत जगह प्राप्ति हो रहा। जमीन डूबने से नुकसान तो हुआ है, लेकिन अन्य लोगों को फायदा भी हुआ। उसमें एक सीजन खेती भी हो जाती, मुआवजा भी मिला। अब जिसको जैसा उपयोग करना था वो कर लिए। पीने के लिए भी पर्याप्त यहाँ से छिंदवाड़ा तक पानी जा रहा, वो भी एक फायदा हो गया। पहले सूखा था तो इस टाइप पक्षी नहीं आते थे, जो अब पानी भर जाता तो अच्छे अच्छे पक्षी आते हैं। बहुत प्रकार के यहाँ पे पान है, कतला है, रोहू है, मृगल है, बाम है, पापदा है, बहुत प्रकार की मच्छी है। वेटलैंड यहाँ पर जो बना है उसकी वजह से जिन भी जानवरों को, पक्षियों को पनाह मिल रही है, उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि हम पानी, जमीन, जंगल, पक्षियों और पशुओं के प्रति लोगों के मन में प्रेम और एक आदर की भावना को ला सकें। एक स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए यह सह अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है। इस वेटलैंड से हमारा इतना लगाव हो चुका था कि हम चाहते थे कि यह सस्टेनेबल तरीके से उपयोग में लाया जाए। हमने यहाँ 100 से अधिक बर्ड स्पीसीज का डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है। बर्डिंग के लिए यह एक अच्छा हॉटस्पॉट है और इसे संरक्षित किए जाने की जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।